सो हाय गाइस, हम इस वीडियो में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे और ये एनसीईआरटी बेस्ड है. ओके, तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, तो वो क्या कहता है, ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, तो इसमें वो क्या कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. इसमें डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. यू यहाँ पर इंटरनल एनर्जी होता है, क्यू है हीट. हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, हीट रिलीज भी हो सकता है, और ये वर्क है. वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है, वर्क डन बाय द सिस्टम भी होता है. अब केमिस्ट्री के हिसाब से देखिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में ये होता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है. और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, और हीट अगर रिलीज होता है तो वो नेगेटिव होता है. ठीक है, अब इसमें वर्क डन इन रिवर्सिबल सिस्टम का फॉर्मूला देखिए. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, W reversible is minus 2.303 nRT log VF upon VI. ठीक है, इसमें n है नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, VF है फाइनल वॉल्यूम, मतलब जब एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है. ठीक है, तो ये फाइनल वॉल्यूम है, ये VI इनिशियल वॉल्यूम है. अगर फ्री एक्सपेंशन हुआ तो P एक्सटर्नल जीरो, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा. तो अगर P एक्सटर्नल जीरो है तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये फॉर्मूला आता है. तो इसमें अगर पी एक्सटर्नल को जीरो रख लिए, मतलब फ्री एक्सपेंशन में, तो वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा. तो जीरो यहाँ पे डालेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए ये है स्पेसिफिक, ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला. हीट कैपेसिटी मतलब कि किसी चीज़ को हीट करने के लिए, मतलब इतना हीट करने के लिए कितना चेंज इन टेम्परेचर होता है. ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर. यहाँ आर गैस कॉन्स्टेंट है, और यह है मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट, ये प्रेशर है. ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है. सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, एक्चुअली यह एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन आर, तो ये एन इज इक्वल्स टू वन मोल के लिए है. अब डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी, मतलब हीट एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी. और चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट रिलीज हो रहा है, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव होता है. दो चीज़ आपको याद, ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव. एक्सटेंसिव जो है ना वो मास पे डिपेंड करता है, और इंटेंसिव उसका कैरेक्टरिस्टिक नेचर पे एक तरह से डिपेंड करता है. मतलब ये जितना ज़्यादा होगा, अगर सोचिए जैसे वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. पर ये मास पर ही डिपेंड करता है कि मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो उससे नहीं होता. जैसे ये डेंसिटी है, ठीक है, वो डेंसिटी सेम रहेगा, चाहे कितना भी पानी ले या कोई भी सब्सटेंस आप कितना भी ले, डेंसिटी उसका सेम ही रहेगा. वो आप एक लीटर का ले, एक मिलीलीटर का ले, डेंसिटी सेम रहेगा. फिर कुछ कुछ है आइसोथर्मल. आइसोथर्मल नाम से समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट होता है. डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो. आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है. डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो. आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट. डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो. और एडियाबेटिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो. फिर कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे एंथैल्पी चेंज. ठीक है, एंथैल्पी चेंज का ये होता है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखिए, एनसीईआरटी के हिसाब से उसका डेफिनेशन है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट. मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट है उस पर जो चेंज होगा वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके, तो ये एनसीईआरटी का कुछ डेफिनेशन है, आपको ये याद रखना चाहिए. और इसके अलावा एक और होता है, वो है हेस लॉ. ठीक है, हेस लॉ भी आपको पता होना चाहिए. हेस लॉ बताता है कि इफ़ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप, मतलब बहुत सारे स्टेप्स में अगर वो रिएक्शन हो रहा है, तो उसका जो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी है वो क्या है, वो सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन. मतलब एक रिएक्शन डायरेक्टली तो नहीं होता है, अगर उसका इंटरमीडिएट रिएक्शन है, मतलब एक स्टेप दो स्टेप, तो वो सब का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है उसका सम है स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी, मतलब पूरे रिएक्शन का. ओके, तो ये भी, मतलब ये सब एनसीईआरटी में आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे इसके. अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और इसका फॉर्मूला है डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी टेम्परेचर. और डेल्टा जी गिब्स, चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये डेल्टा एस है एंट्रोपी चेंज. ये डेल्टा एस इज मोर देन जीरो, मतलब एंट्रोपी हमेशा मोर देन जीरो, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, उसका जो एंट्रोपी चेंज है वो मोर देन जीरो होना चाहिए. ये डेल्टा एस है, ये टेम्परेचर है उस रिएक्शन का, और ये डेल्टा एच है. ठीक है, अब देखिए डेल्टा जी, अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव होना चाहिए.
और डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला होता है माइनस आर टी एल एन के, ये रिएक्शन का कांस्टेंट होता है, ये टेम्परेचर और ये क्या है गैस कांस्टेंट। ओके तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे, उसके अलावा जो डेफिनेशन है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे मतलब डेफिनेशन होते हैं इससे रिलेटेड, एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड, उसमें भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।